अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सीताफल के छिलके की एक ऐसी सब्जी जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सीताफल के छिलके के साथ हम मिलाएंगे करेले और आलू। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है दोस्तों, जो आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। आप सोच रहे होंगे ये कड़वा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। छिलका समझ के जो आप फेंक देती हैं, उसी छिलके से हम बहुत ही बढ़िया भाजी बनाने वाले हैं। दोस्तों ये भाजी टेस्टी के साथ बहुत ही हेल्दी है, तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सुरे किचन में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। भाजी बनाने के लिए हमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने ले लिया है सीताफल का छिलका। ये देखिए दोस्तों, हमने सीताफल के छिलके को मोटा रखा है, बिल्कुल इस तरीके से ही लेना है आप लोगों को भी। और ले लेंगे चार करेले, चार आलू। अब इन सबको बहुत ही अच्छी तरीके से धो के काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सीताफल के छिलके को और आलू को एक साइज में काट लिया है। आप लोगों को भी इस साइज में ही काटना है इन दोनों को। और ये देखिए दोस्तों, हमने करेले को भी बहुत ही बारीक काट लिया है। करेले के कड़वेपन को दूर करने के लिए जब हम इसको काट लेंगे, तो इसको नमक लगा के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर थोड़ी देर रखने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, जिससे इसका कड़वाहट निकल जाएगा। हमने करेले को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल डाल के ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद इसमें 5 फरंग डाल देंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। 5 फरंग में 5 तरीके के मसाले होते हैं, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब प्याज को बहुत ही हल्का सा भून लेंगे, हमको ज्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें सीताफल के छिलके को ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब इसमें करेला ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही हेल्दी होता है। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। इन सब मसालों को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देंगे। दोस्तों आपने देखा ही ना कि इस रेसिपी को बनाने में कितने कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको मीडियम आंच पे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हमारे हो गए हैं, हम ढक्कन को खोल के देख लेंगे। ढक्कन को खोलने के बाद इसको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे और ऐसे ही चम्मच से हिला हिला के इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने 1 मिनट तक इसको हिला हिला के पका लिया है, ये एकदम रेडी हो गया है दोस्तों। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है, देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों। मैं आप लोगों को एक बार चम्मच से उठा के देती हूँ कि ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो इस यूनिक और हेल्दी सी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको और आपके परिवार वालों को कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करने के लिए मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे ऐसे ही यूनिक और टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।